ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਦਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਨੀ ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਦਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਨੀ ਧੰਮਪਦ ਪੁੱਪ ਬੱਗੂ ਕਥਾ ਗਾਥਾ ਨੰਬਰ 51-52 सावित्री का जो जैतवन बिहार है या जैतवन मंदिर है या जैतवन जो सिखाने का साधना स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने जंगल साफ करके और सारा जैतवन बिहार जो बनाया गया वहां पर धम्म का जब उपदेश दिया जाता था देशना दी जाती थी तो राजा पसेंदी यानी राजा प्रसेनजीत आज के संस्कृत भाषा में कहें तो वो अक्सर वहां जाया करते थे और अपना सारा शासन वो धम्म के प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही सीखते थे और कोई समस्या आती थी तो वो उसको भगवान बुद्ध से पूछा करते थे। पूरी सभा लगती थी वहां सभी लोग आते थे तो राजा पसेनजीत जो आते थे उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि उनकी दोनों जो पत्नियां हैं वो भी धम्म सीखें तो घर में धम्म का वातावरण ज्यादा अच्छा रहेगा उनको लाभ होगा दोनों रानियां अपने दुख से जीते जी मुक्त हो जाएंगी। ऐसा विचार जानकर उन्होंने भगवान बुद्ध से आग्रह किया निवेदन किया कि आप मेरी दोनों रानियों को धम्म सिखाएं। भगवान बुद्ध ने कहा कि बुद्ध इंडिविजुअल पर्सन को सिखाने के लिए नहीं जाते मगर मैं किसी ना किसी और जो टीचर हैं जो भिक्कु हैं उनको मैं भेज दूंगा और उन्होंने वहां आनंद थेर की आनंद की ड्यूटी लगाई। आनंद वहां नियमित जाते थे और दोनों रानियां अपने सभी जितनी भी उनकी काम करने वाली वहां सेविका थी उनके साथ बैठ के धम्म को सीखा करती थी। क्योंकि जो थेर होते हैं जो सिखाने वाले होते हैं जो टीचर होते हैं जो अच्छे टीचर होते हैं वो इस बात को जानते हैं कि कौन सा स्टूडेंट ज्यादा सीख रहा है और कौन सा स्टूडेंट कम सीख रहा है। एक ही क्लास के अंदर टीचर एक जैसा सबको पढ़ाता है मगर सीखने वाले अलग अलग तरह से ग्रहण करते हैं। तो उसने देखा कि राजा की जो एक रानी है वो तो धम्म को बहुत अच्छी तरह से सीख रही है अभ्यास कर रही है और दूसरी रानी का मन धम्म सीखने में नहीं लग रहा है। ऐसी चर्चा उन्होंने भगवान बुद्ध से कही कि भगवान जब मैं वहां सिखाता हूं तो दोनों रानियों में ऐसा अंतर पाया गया। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही गाथा नंबर 51 इस प्रकार है। यथापि रुचिरंग पुफंग वन वंतंग ए गंधकं एवं सुभाषिता वाचा ए फला होती ए कुब्बतो यथापि रुचिरंग पुफंग। यथापि का मतलब है जैसे यथा माने जो होता ना यथा का मतलब है जैसे और अपि का मतलब है अपि बाद में भी बन गया भी यानी जैसे भी या जैसे कोई या जैसे। रुचिरंग पुफंग रुचिरंग पुफंग का मतलब है जिसमें पुफ के अंदर पुष्प के अंदर फूल के अंदर रुचि हो बहुत ज्यादा यानी कि वो रुचिकर हो उसे देखने के लिए आदमी की जिज्ञासा जाए बार बार उसे ले या तोड़ के भी ले आए इतनी ज्यादा रुचिकर फूल हो। वणवंतंग ए गंधकंग वणवंतंग वण मैंने पहले ही बताया है वन का मतलब है रंग वनवंतंग का मतलब बहुत रंगदार बहुत सुंदर। ए गंधकं का मतलब है ए गंधक वाला कि जिसके अंदर खुशबू नहीं है यानी कि ऐसा फूल जो बहुत रंग बिरंगा है बड़ा रुचिकर है मगर उसके अंदर कोई भी खुशबू नहीं है। एवं सुभाषिता वाचा एवं माने हैं जैसे सुभाषिता वाचा सुभाषिता भाषण जो होता है उसे भाषिता से भाषण बना है भाषण करें या भाषिता सु माने अच्छा यानी कि जो अच्छा भाषण होता है अच्छा बोला गया होता है। सुभाषिता वाचा यानी जो बात बहुत अच्छी तरह से बताई गई है सुभाषित की गई है। ए फला होती ए कुब्बतो ए फला होती ए फला का मतलब है वो फलदायक नहीं होती। ए कुब्बतो का मतलब है अगर वो ना परफॉर्म की जाए ना अभ्यास की जाए ना की जाए ऐसा उन्होंने कहा। इसका मतलब ये है कि वो फूल
जो बहुत ज्यादा रंगदार हो और बहुत ज्यादा रुचिकर हो, जिसमें लोग उसकी तरफ खिंचे चले आए। मगर अगर उसके अंदर अगंधक है, कोई गंध नहीं है, कोई उसके अंदर खुशबू नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं उस व्यक्ति के लिए जो उसकी तरफ दौड़ के आ रहा है, या जो उसको चाहता है, या जो उसको अपने पास रखना चाहता है। इसी प्रकार अगर बहुत अच्छा कोई वचन बताया गया है, यानी बुद्ध का वचन या धम्म का वचन या संघ का वचन, या बहुत स्वस्थी बात है, कोई ऐसी बात है जो मनुष्य के कल्याण के लिए है, कल्याणकारी है, ऐसा वचन ऐसी बात अगर बताई गई है, बहुत अच्छी तरह से बताई गई है, तो वो भी कोई फल नहीं देगी अगर उस बात पे चला ना जाए, उस बात पे अभ्यास ना किया जाए। ऐसा भगवान बुद्ध ने बताया। इसका मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति है और वो डॉक्टर के पास जाए, मरीज है, बीमार है, और डॉक्टर को अपनी सारी बीमारी बताए, और डॉक्टर उसकी बीमारी देखकर, जानकर, पहचानकर उसको उस बीमारी के निदान की दवाई दे, और वो उस दवाई को देख के रोज उसकी पूजा पाठ करता रहे, उसकी आरती धूप बत्ती चढ़ाता रहे, उसको माथे पे रख के घूमता रहे, उसको जेब में रख के सबको बताता रहे कि देखो मेरे अंदर इतनी अच्छी दवाई है, फलाने डॉक्टर से लेके आया, फलाने डॉक्टर की दी, सबसे महंगी कंपनी की है, और रोग भी बिल्कुल बताया है मुझे, यही रोग है और इसी रोग की ये दवा है, और देखो अब ये दवा मुझे ठीक कर देगी। ऐसा वो खूब अपने व्हाट्सएप पे फोटो खींच खींच के डाले, ऐसी खूब यूट्यूब बनाए, ऐसा खूब वो अपना ब्लॉग लिखे, सबको फोन करके चर्चा बताए, और दवाई ना खाए, तो वो कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता, वो कितनी ही चर्चा कर ले मर जाएगा। ठीक इसी प्रकार कोई भी बात अगर बताई जाए और उस पे अच्छी बात पे अगर अमल ना किया जाए तो वो लाभदायक नहीं होगी, अफला होगी। ये ठीक ऐसे है जैसे भगवान बुद्ध जो मोक्ष प्राप्त है, जिन्होंने उस रास्ते पर चले जहां सुख शांति मिलती है, जहां दुखों से दूर होती है, और उन्होंने इसका अनुभव किया, उस रास्ते को जाना, पहचाना, खोजा, उस रास्ते को उन्होंने हजारों लाखों लोगों को बताया, मगर जो लोग जहां तक चले वहां तक उसका फायदा हुआ, और जो लोग नहीं चले उसको बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, और जो लोग पूरे रास्ते पर चले उनको फायदा हुआ। इसीलिए भगवान बुद्ध के इस मार्ग को कहा जाता है कि जैसे ही चलोगे वैसे ही आपको फायदा होगा। एकालिको, एकालिको मतलब है कि इसमें समय नहीं लगता, आप इधर चले नहीं उधर आपका फायदा हुआ नहीं। यह है कथा गाथा नंबर 51, और जो 52 कथा है उसकी जो गाथा है वही सेम है। 52 नंबर की जो कथा है वो इस प्रकार है। यथापि रुचिरं पुफ्फं वलवंतं सुगंधकं एवं सुभाषिता वाचा सफला होती कुब्बतो। दोनों ही जो गाथा है एक दूसरे के बिल्कुल जोड़े में है, यमक में है, विलोम है। पहली वाली गाथा में ये कहा गया है कि अगर कोई फूल बहुत ज्यादा रंगदार हो और बहुत अच्छा रुचिकर हो मगर उसमें गंध ना हो, सुगंध ना हो, तो वो बेकार है। दूसरी गाथा में ये सिर्फ एक शब्द बदला है कि अगंध की जगह सुगंध कर दिया है, यानी कि कोई फूल है जो बहुत ज्यादा रुचिकर है, बहुत ज्यादा गंध वाला है, खुशबू वाला है, और बहुत ज्यादा रंग वाला है। एवं सुभाषिता वाचा सफला होती कुब्बतो। और अगर ऐसे ही कोई अगर ज्ञानी या कोई धम्म का व्यक्ति या कोई भिक्कू या कोई भिक्कुणी अगर कोई अच्छी बात बताता है और उस पर कोई मनुष्य चलता है तो वो फलदायक होती है। सिर्फ इसमें दो शब्द बदले हैं, पहली वाली गाथा में और इसमें, सुगंधकंग और कुब्बतो, और वहां पर सुगंधक की जगह था अगंधक और कुब्बतो की जगह था अकुब्बतो, और कोई अंतर नहीं है। दोनों गाथाएं सेम है, कथा भी सेम है। इसलिए जो दूसरी गाथा है उसका एक सीधा सा जो समझ आती है वो इस तरह से आती है कि आपको बहुत अच्छी भूख लगी है और आपको खाने की जरूरत है और खाना आपके सामने आ गया और खाने को देख के आप बड़े खुश हो रहे हैं। आपने अपने सारे रिश्तेदारों को उसका फोटो खींच के भेजा कि ये देखो मेरा खाना कितना अच्छा है, कितना टेस्टी है, कितना बढ़िया है, उसकी स्मेल आपने ली, चारों तरफ उसमें घूमे, उसको सर पे उठा उठा के थाली को घूमने लगे, नाचने लगे, और आपने खाने को उठा के एक तरफ मेज में रख दिया कि अब तो ये खाना इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, इतनी सुगंधित इसकी अच्छी है, अब मैं इसको देख देख कर ही जीऊंगा, अब मुझे खाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप अवश्य ही भूख से मर जाएंगे। यानी खाना आपको खाएंगे तो ही आप जिएंगे। उसी प्रकार जो जितने भी वचन बताए जाते हैं, जो बातें बताई जाती हैं धम्म में प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो आपको कोई फल नहीं होगा।
जैसे खाना खाने वाले को खुद लाभ होता है, दवाई खाने वाले को खुद लाभ होता है, वैसे ही जो अच्छी बातों का अभ्यास करता है उसको ही लाभ होगा, उसके रिश्तेदारों को कोई लाभ उससे नहीं हो सकता, उसके पुत्र पुत्री को भी कोई लाभ नहीं होगा, सिर्फ उसी को होगा जो चलेगा। इसलिए धम्म में सबको मेहनत करनी पड़ती है। धम्म ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ये कह जाए कि मैंने ये तुम्हें धम्म बता दिया है, अब तुम्हारा लाभ हो गया है। सुनने से और बताने से लाभ धम्म में नहीं होता। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Gacchami.